सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में अंग्रेजी के सवालों के नंबर नहीं जोड़े जाने की घोषणा के बाद भी सी सैट का विरोध जारी है। जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे छात्रों का आरोप है कि उन्हें केवल अंग्रेजी भाषा के सवाल से नहीं पूरे सी सैट पैटर्न से दिक्कत है, इसलिए परीक्षा पद्धति को ही खत्म किया जाना चाहिए। इधर राजनीतिक दल भी सरकार की तरफ से दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है। यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पर विवाद बरकरार है। आंदोलन कर रहे छात्रों का अब कहना है कि समस्या केवल अंग्रेजी के सवालों को नहीं बल्कि पूरी सीसेट पैटर्न को ही खत्म किया जाए। इंग्लिश अगर ग्रामेटिकल होती ना तो फिर बोल सकते कि हिंदी वाले को फायदा, ये तो जस्ट नॉर्मल इंग्लिश थी, जस्ट पैसेज बड़ा और आंसर दिया, वो कुछ नहीं है। बस सीसेट को बिल्कुल हटना चाहिए, हिंदी मैथम के छात्रों के लिए बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण ये है और बिल्कुल सीसेट को हटना चाहिए। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने साफ किया कि इस मसले के समाधान के बारे में सरकार ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। जो सरकार ने कहना था वो संसद में कह दिया गया है, अब इसके अतिरिक्त इसमें और कुछ कहने का कोई औचित्य नहीं है, ना ही गुंजाइश। सरकार के अंग्रेजी के सवालों के नंबर नहीं जोड़ने की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों ने दूसरे मुद्दे उठाने शुरू कर दिए हैं। जो सेकंड पेपर है वो ट्रांसलेशन का, उसमें दिक्कत है, साइंस के लड़के उसमें ज्यादा और वो आईआईटी का कैट का ये सब एग्जाम देते तो उनको रफ्तार है, वो से उनके अनुसार ये सेट है। टुमारो इट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड थॉरली। वहीं क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स व्हाट वी आर रेजिंग इज वी वांट अदर इंडियन लैंग्वेजेस टू बी इंक्लूडेड इन द एंट्रेंस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस। उधर यूपीएससी ने कहा कि 24 अगस्त को होने वाली परीक्षा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, हालांकि सरकार इस बारे में जल्द अधिसूचना जारी करने की बात कह रही है। 2011 में यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सीसेट लागू किया गया था। दीनानाथ बत्रा ने हाईकोर्ट में अपील की जिसमें हिंदी भाषी छात्रों के साथ भेदभाव की बात कही गई। हाईकोर्ट के आदेश पर इसकी जाँच के लिए इस साल मार्च में अरविंद वर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई जिसने सरकार को हाल ही में अपनी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर सोमवार को केंद्र सरकार ने प्रारंभिक परीक्षा के सीसेट प्रश्न पत्र में अंग्रेजी के सवालों के अंकों को ग्रेडेशन या मेरिट में शामिल नहीं किए जाने की घोषणा की। साथ ही 2011 सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुए परीक्षार्थियों को 2015 की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने का मौका दिए जाने की बात कही गई है, लेकिन सरकार की इस घोषणा से न विपक्ष संतुष्ट हुआ और न ही छात्र। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। तो यूपीएससी का जो भी समाधान निकालने की सरकार ने कोशिश की, ना उससे विपक्ष संतुष्ट हुआ और ना ही छात्र संतुष्ट हुए। तो आखिर इन दोनों ही पक्षों को संतुष्ट करने के लिए सरकार को क्या अब नए सिरे से कुछ विचार करना होगा? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता संबित पात्रा। संबित, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं विकास दिव्यकीर्ति जो कि सिविल सर्वेंट रह चुके हैं और हिंदी मीडियम से 1996 में आपने क्वालिफाई किया था, पूर्व सिविल सर्वेंट रह चुके हैं। और हमारे साथ एक और खास मेहमान है, 1964 में हिंदी मीडियम की पढ़ाई करने के बाद जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा को उत्तीर्ण किया था, एनसी सक्सेना। और इनका परिचय एक और भी है, ये सिविल सेवकों की पढ़ाई जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में होती है वहाँ पढ़ाने भी जाते हैं, और जो सी सैट पैटर्न लागू किया गया उसकी पूरी परिकल्पना में भी एक्टिव रोल प्ले करते रहे हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले संबित, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। सरकार ने अपनी तरफ से एक समाधान निकालने की कोशिश की और जो मुश्किल था, जो सवाल था कि अंग्रेजी का की बहुतायत हो रही है, अंग्रेजियत बढ़ रही है और इसलिए अंग्रेजी के नंबर को मेरिट में जोड़ा ही ना जाए, उसको रिकॉर्ड में ना माना जाए तो शायद इसका समाधान निकल जाए, लेकिन ना छात्र संतुष्ट हैं और ना ही विपक्ष संतुष्ट है। तो अब आप लोग क्या करेंगे? नहीं, जहाँ तक विपक्षी संतुष्टि का सवाल है, विपक्ष ने तो इस टॉक्सिन को बोया है, तो मुझे लगता है आज वो अगर संतुष्ट नहीं है तो वो प्रॉब्लम उनकी है। मगर जहाँ तक छात्रों का विषय है, हमें सिंपति भी है और बाय एंड लार्ज एक बैलेंसिंग एक्ट के माध्यम से सरकार ने प्रयास किया है कि जो लार्जर सेक्शन है उसको संतुष्ट किया जाए। अच्छा, 2011 में मुझे माफ कीजिएगा संबित, आपको मैं रोक रही हूँ, आपने कहा इस बीच को विपक्ष ने बोया है, जरा इसको
विस्तार से बताइए कि कैसे क्या हुआ है। नहीं, स्वाभाविक रूप से देखिए, हर कोई जानता है सी सेट का जो मसला है 2011 में आया, और मुझे आश्चर्य है कि वीरप्पा मोइली जो इसके सदस्य भी थे कमेटी के, वो आज बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं और उन्हीं के साथी जो हैं वो पार्लियामेंट में बहुत कुछ कह रहे हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर के सामने भी सी सेट के इस विषय को रखा गया तो प्राइम मिनिस्टर भी इससे कन्विंस थे 2011 से। लेकिन देश को पता है कि यूपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो सरकार के निर्देशों पर नहीं चलती है। नहीं नहीं नहीं, आप देखिए सरकार के निर्देशों पर नहीं चलती है तो ये हमारे पे भी लागू होता है ना। आप सिलेक्टिवली कहेंगे कि 2014 से पहले यूपीएससी ऑटोनॉमस थी और सरकार की बातें उस पर नहीं चलती है, और अब 2014 में इन दो महीनों में कहेंगे कि सरकार जो निर्णय ले रही है वही यूपीएससी पे लगेगा, तो मैं इसे सिलेक्टिविटी कहूंगा। खैर, आपने मुझसे इतिहास मांगा था तो मैं स्पष्ट में ये कह दूं कि 2011 से लेकर अब तक जो सरकार थी वो इस पर मौन व्रत धारण किए हुए थी। उसके पश्चात जब उन्हें लगा कि एक कमेटी बैठाना चाहिए, एक कमेटी अरविंद वर्मा कमेटी भी उन्होंने बैठाई और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट द्वारा एक कमेटी बैठी थी। लेकिन इस बात को आप क्यों नहीं मेंशन कर रहे हैं कि दीनानाथ बत्रा जी ने इस मामले में हाई कोर्ट में पीआईएल दायर की थी और तब ये जाकर बड़ा मुद्दा बन गया था। तो स्वाभाविक रूप से दीनानाथ बत्रा जी का संबंध किससे है, बात को आप क्यों छुपा रहे हैं? नहीं नहीं, छुपाने वाली बात क्या है, दीनानाथ बत्रा क्यों? मैं तो कहता हूं अगर हमारे पार्टी से भी कोई पीआईएल डाले तो हाँ, इसमें बुराई क्या है? ये एक स्वतंत्र देश है, कोई भी पीआईएल डाल सकता है और विषय को आगे बढ़ाया जा सकता है। आप फिर ये कैसे कह रहे हैं कि इसका बीज यूपीए ने बोया था? तो बीज किसने, पीआईएल हाईकोर्ट में किसके खिलाफ डाला? जो बीज यूपीए ने बोया था उसके खिलाफ डाला या पीआईएल करने वाला ही सीसैट लेके आया था? आप ये समझाइए मुझे। विशेषज्ञों को तो ये डर लग रहा है कि आप यूपीएससी जैसी स्वायत्त संस्था को कमजोर करने की कोशिश भी कर सकते हैं। नहीं, मुझे तो ये डर लग रहा है कि आप पहले क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करिए कि हमारी बात को यूपीएससी मान रही है तो वो अच्छा है या ना माने तो वो अच्छा है। मुझे लगता है कंफ्यूजन कहीं ना कहीं इस सवाल को बनाने में ही जा रहा है। एक तरफ तो आप कह रही हैं कि सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए थे और सीसेट को स्क्रैप कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं कि सरकार को और सख्त कदम उठाना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि यूपीएससी एक स्वायत्त संस्था है और यूपीएससी को निर्देश देने का काम सरकार नहीं कर सकती। नहीं, है यूपीएससी संविधान संशोधन करना पड़ेगा। नहीं, अगर सरकार देखिए, निर्देश देखिए, देना चाहेगी तो। अमृता जी, यूपीएस हाँ, ये विषय हमें पता है, इसलिए हमने यूपीएससी को अपना ओपिनियन रखा। यहाँ मैं यह भी बता दूं कि 24 अगस्त को जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाले हैं उसको स्थगित करने के विषय में भी सरकार ने मन बनाया था। सरकार के डीओपीटी ने एक चिट्ठी लिखी थी यूपीएससी को, यूपीएससी ने उसे स्वीकार नहीं किया। यूपीएससी ने यह लिखा कि क्यों नहीं यह स्थगित हो सकता है, क्या सरकार ने कोई बाध्यता बनाई? बिल्कुल नहीं, सरकार ने कोई बाध्यता नहीं बनाई। सरकार ने सभी पक्षों को सुना, उसके पश्चात उन्होंने सदन के पटल में जो हमारे डेमोक्रेसी का रूल है क्वेश्चन के आंसर में अपने ओपिनियन को रखा है। ये ओपिनियन सरकार के ओपिनियन के रूप में यूपीएससी को जाएगी। और जब ये ओपिनियन गठित हुआ तो मैं बता दूं दो यूपीएससी के सदस्य भी मौजूद थे। स्वाभाविक रूप से ये एक सबके रजामंदी से बनाई हुई संवैधानिक सवाल को आगे बढ़ाते हैं। आप ये कह रहे हैं आप हमारी बात को मान रहे हैं, लेकिन क्या संवैधानिक संस्था होने के नाते, जिसको बार बार हम कह रहे हैं कि यूपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है और जिस तरह से यूपीएससी ने फैसला लिया उस पर आज भी कायम है, अगर सरकार के इस जवाब को भी, पार्लियामेंट के जवाब को भी देखें तो उससे यही लगता है कि यूपीएससी ने जो सीसेट का स्टैंड लिया उस पर आज भी कायम है, तो सरकार की इस पूरी कवायद का कुछ अर्थ निकल रहा है? मैं दो तीन बातें कहूंगा। संबित की लगभग सारी बातों से मैं असंतुष्ट हूं, विरोध करूंगा हर बात का पॉइंट्स में। पहली बात वो ये कह रहे हैं कि लार्जर सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है, ये एकदम गलत बात है। लार्जर सेक्शन को दिक्कत 8 क्वेश्चन से नहीं थी, 8 क्वेश्चन केवल 20 नंबर के हैं। 35 क्वेश्चन जो लगभग 80 नंबर के, उनमें ट्रांसलेशन की दिक्कत है। ट्रांसलेशन की दिक्कत क्या होती है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आज के एग्जाम्पल लीजिए, विजय सिंह साहब जो यूपीएससी के मेंबर थे, सी सेट को लाने में उनकी भूमिका थी, आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अखबार में, मैं आपको दो हिंदी में इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ। इंग्लिश में लिखा है, मिस्टर विजय सिंह सेड द गवर्नमेंट सक्सम टू द गून्स लॉबी वाइल सेइंग दैट मार्क्स ऑफ द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पेपर इन द प्रिलिमिनरी एग्जाम शुड बी एक्सक्लूडेड फॉर मेरिट और ग्रेडेशन। इसका मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है, उन्होंने कहा कि गुंडा लॉबी के सामने सरकार झुक गई, जबकि साथ में ये भी कहा कि इंग्लिश के नंबर नहीं जोड़ने चाहिए। इसका ट्रांसलेशन हिंदी के अखबार में, उसी अखबार में क्या, उसको सुन लीजिए, लिखा है, अंग्रेजी के मार्क्स को हटाकर गुंडों की लॉबी के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए हैं, ये दिक्कत है। आज के ही अखबार में यूपीएससी के ही मेंबर की स्टेटमेंट इंग्लिश में क्या है और हिंदी में क्या है, एक ही अखबार में अलग अलग है। ऐसे क्वेश्चन से आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं प्रीलिम्स में, 35 क्वेश्चन ऐसे आते हैं 80 नंबर के, उनके आंसर गलत हो जाते हैं, आंसर गलत होते हैं बाहर निकल जाते हैं, फिर आप कहते हैं हमने
ग्रॉस इंटरेस्ट में, कॉमन इंटरेस्ट में ऐसा कर दिया। पहली बात, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इस बेसिक प्रॉब्लम की जड़ क्या है, थोड़ा सा उसके ऊपर मैं नजर डालना चाहती हूँ दिव्य। ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये ऐसे सवाल होते हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, ये पेपर है, अंग्रेजी का पेपर है, मेरे पास भी है। ये जो 20 नंबर हटाए गए हैं जो जिसको मेरिट में ना जोड़ने की बात कही गई है, अंग्रेजी का जो कंपलसरी पेपर था उसका एक सवाल है। ये सवाल को अगर मैं पढ़ दूं तो अंदाजा लग जाएगा लोगों को कि दरअसल किस स्टैंडर्ड के सवाल पूछे जा रहे हैं और क्यों नहीं आपके छात्र। उससे पहले एक बात को समझ लीजिए, इसके स्टैंडर्ड से कोई दिक्कत नहीं। हाँ। ये 10वीं क्लास के सवाल हैं, आसान सवाल हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। ये 10वीं से भी कम, चलिए मान लिया। हाँ। मेन एग्जाम में 300 नंबर का इंग्लिश का पेपर हमेशा से होता है, क्वालिफाइंग है। हाँ। जब वो होता ही है तो उसमें दिक्कत क्या थी, इसी क्या जरूरत थी? अगर इसकी जरूरत थी तो साथ में 8 क्वेश्चन भारतीय भाषाओं के भी क्यों नहीं है, बराबर क्यों नहीं है? हम तो पहले भी नहीं होते थे, जब आपने एग्जाम दिया था तब भी नहीं होता था, जब आपने एग्जाम दिया था तब भी नहीं होता था। तीन साल पहले आया है, तब पेपर था ही नहीं है वाला। हाँ। ये तो पेपर अभी आया है 2011 में। आपने 2011 में पहली बार कहा कि एक लैंग्वेज से सवाल पूछेंगे, बाकियों के नहीं पूछेंगे। भेदभाव की समस्या, इंग्लिश से कौन परेशान है? मान लीजिए कि ये गांव का बच्चा 8 में से एक सवाल गलत कर दे, एक तो गलत कर सकता है, एक सवाल गलत होने के 2.5 नंबर कट गए और नेगेटिव मार्किंग 0.83 और कट गए, 3.33 कट गए। एक नंबर पे 1000 लोग बाहर हो जाते हैं, तीन नंबर गलत होने पे, एक सवाल एक नंबर पे और एक सवाल गलत होने पे 3.33 का नुकसान होता है उसको। ये कोई नहीं कह रहा कि मुश्किल पैसेज है, लेकिन जो पैसेज आपके लिए आसान है वो गांव के बच्चे के लिए मुश्किल हो सकता है। आसानी का फैसला कौन करेगा? नहीं, लेकिन बात ये है दिव्य कि अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, देश की सर्वोत्तम नौकरी में जाना चाहते हैं, तो आप अपने लिए क्या स्टैंडर्ड चाहते हैं? कोई मना नहीं कर रहा, आप इंग्लिश मेंस में क्वालिफाइंग पेपर लेते हैं, लीजिए। हाँ। लेते ही है, हिंदी का भी होता है, रीजनल लैंग्वेज का भी होता है, इंग्लिश का भी होता है, इसमें दिक्कत क्या? उसको टफ कर दीजिए। आप पहले राउंड में सी सेट को इंट्रोड्यूस, एक मिनट, प्रीलिम्स के राउंड में ही आपने 70% पॉपुलेशन को बाहर कर दिया। यूपीएससी के मेंबर केएस चेलम, आज के अखबार में उनका लेख है हिंदू में, वो लिख रहे हैं कि सी सेट गलत है क्योंकि 70% लोगों को, गांव के लोगों को बाहर कर देता है। केएस चेलम का आर्टिकल है हिंदू में आज, उसको पढ़िए, इससे भी संतोष ना मिले। नहीं 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 नहीं, सवाल ये है कि आपको अगर लड़ाई लड़नी है तो आप उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़िए जिस व्यवस्था ने हिंदी मीडियम की पढ़ाई को इतना कमजोर कर दिया कि एक वक्त में हिंदी मीडियम से पढ़ के टॉप करने वाले आईएएस ऑफिसर आज की स्थिति में वो कह रहे हैं, वो खुद मान रहे हैं कि आज हिंदी मीडियम का बच्चा इसको क्वालिफाई नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पढ़ाई का स्टैंडर्ड ही वो नहीं है। पढ़ाई का स्टैंडर्ड खराब, लेकिन बावजूद इसके आप लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया, मुझे ये बताइए, क्योंकि आज जिस तरह से हजारों लाखों बच्चे इसका विरोध कर रहे हैं, एक तरह से राजनीतिक मुद्दा बन चुका है ये। आप या तमाम आप जैसे यूपीएससी को समर्थन देने वाले लोग फिर भी ये मान रहे हैं कि ये सी सेट का पैटर्न बिल्कुल ठीक है और हमारे देश के सिविल सेवा में आने वाले लोगों को इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। मैं हिंदी भाषी रहा हूँ हमेशा से और हिंदी में ही मैंने हाई स्कूल इंटर वगैरह किया था, मेरी सारी संवेदनाएं और संपत्ति हिंदी वालों के साथ हैं, लेकिन नीति बनाते समय दिल से नहीं दिमाग से काम लेना पड़ता है। तो इसलिए जब नीति बनाते थे, पहला सवाल ये था हमारे सामने कि ये जो सर्विसेज हैं, चाहे आईएएस हो, रेवेन्यू सर्विस है, रेलवेज है, ऑडिट अकाउंट्स है, फॉरेन सर्विस है, इन सब की कॉमन रिक्वायरमेंट क्या है, इनकी कॉमन रिक्वायरमेंट को देखते हुए ही इम्तहान हो सकता है। तो उस जब तक उस कमेटी ने ये सोच तय किया कि रिक्वायरमेंट ये है कि भाई एक तो उसका लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए, उसको थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी भी आना चाहिए, साथ ही साथ उसको नंबर्स के साथ फ्लेयर होना चाहिए क्योंकि अगर आप इनकम टैक्स में हैं, रेलवे अकाउंट्स में हैं, आईएएस में हैं, आपको यही पता नहीं है भाई कि इन्फ्लेशन में और रेट ऑफ इन्फ्लेशन में क्या अंतर है। आप ग्राफ से डील करेंगे, आप नंबर से डील करेंगे इसलिए ये तय किया गया कि भाई इसमें कंपल्सरीली होना चाहिए कि हम 25-20 सवाल ऐसे पूछें जिससे पता चले कि आप लॉजिक समझते हैं कि नहीं, आप नंबर्स समझते हैं कि नहीं समझते हैं। दूसरी बात यह है कि आप ये भी साथ साथ देखें कि इसमें जो ऑप्शनल पेपर्स हैं उनकी वेटेज बहुत कम हो गई है। पहले हमारे ज़माने में ऑप्शनल पेपर्स की वेटेज 70% होती थी, तो हम बहुत अच्छे थे मैथमेटिक्स में क्योंकि आपके चॉइस का सब्जेक्ट मिल जाता था और आप ऑप्शनल पेपर लेके पाली से भी, संस्कृत से भी, हिंदी से भी या किसी भी सब्जेक्ट से हाईएस्ट नंबर हासिल कर सकते थे। वो ये रहा था 2008 तक कि
लोगों को लगा कि भाई पाली ले लो, पाली में बहुत कम बहुत से मार्क्स मिल जाएंगे, पाली पढ़ ली। किसी ने अरेबिक ले ली, किसी ने सोचा कि भाई इंटरनेशनल लॉ पढ़ लो, दो किताबें पढ़नी पड़ेंगी, हम रट लेंगे और पास हो जाएंगे। इसलिए तय किया गया कि जो जनरल कॉम्प्रिहेंशन है, जनरल स्टडीज़ हैं, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, इसकी नॉलेज होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी का नहीं, लेकिन ये ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि बैलेंस होना चाहिए, लेकिन क्या आप मैनेजर पैदा करना चाह रहे थे या प्रशासनिक अधिकारी पैदा करना चाह रहे थे? आप लोग क्या चाहते थे? प्रशासनिक अधिकारी की जो क्वालिफिकेशन है, जो रिक्वायरमेंट है, जो जॉब में करता है, वो उसको देखते हुए ही हमने इम्तहान का पैटर्न बनाया। साथ ही साथ उससे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये मत भूलिए कि IAS में भी 49% रिजर्वेशन है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम जब जाते हैं पढ़ाने मसूरी, हम देखते ही हैं कि जो SCs, STs, OBCs आ रहे हैं, वो भी सब ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं। तो इससे बहुत ही एक समाज में एक बहुत ही इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है। एक सवाल जो इन्होंने बेहद महत्वपूर्ण जवाब दिया, वो बताइए कि जो रिजर्वेशन के थ्रू भी बच्चे आ रहे हैं, वो भी अंग्रेजी ही मीडियम के ज्यादातर आ रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन इंग्लिश मीडियम, जो फर्स्ट जनरेशन के हैं वो इंग्लिश मीडियम से नहीं है। सतीश चंद्रा कमेटी ने इसके बारे में विस्तार में लिखा हुआ है। सेकंड थर्ड जनरेशन वाले इंग्लिश मीडियम से आते हैं, गांव के बच्चे नहीं आते हैं। जो एक रिजर्वेशन से IAS बन जाएगा, वो गांव में क्यों रहेगा? उसके बच्चे अच्छे स्कूल से क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो बेसिक सी बात है। सर ने कहा कि पाली और लिटरेचर लेते थे, पहली बात तो ये मेंस की बात है, प्रीलिम्स की बात ही नहीं है, अभी झगड़ा प्रीलिम्स का चल रहा है। दूसरी बात, लॉजिक होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? एक मैनेजर को और एक IAS को अगर लॉजिक नंबर्स ही चाहिए तो दोनों में अंतर क्या है? ज़्यादा ज़रूरत किस बात की है? KS चेलम साहब ने हिंदू में लिखा, एम्पैथी की ज़रूरत है, सोशल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, सोशल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। आप उसके क्वेश्चन 80 में से 6 पूछते हैं, रीजनिंग ज़्यादा पूछते हैं, मैथ ज़्यादा पूछते हैं, इंग्लिश ज़्यादा पूछते हैं। अगर इंग्लिश इतना ही जरूरी है, बीसी सवाल पूछ रहे हैं ना, 10-20 सवाल ही तो बीसी नंबर के तो सवाल पूछ रहे हैं इंग्लिश के। उसको इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर इंग्लिश चाहिए, क्या उसको भारतीय भाषा नहीं चाहिए? IAS बनने के बाद जिंदगी भर वो जिस स्टेट में रहता है, उत्तर प्रदेश में किसी भी राज्य का आदमी आएगा, जिंदगी भर हिंदी में काम करना पड़ेगा उसको, बंगाल में जाएगा बांग्ला में करना पड़ेगा, पूरी लाइफ में एक दिन भी इंग्लिश यूज नहीं करेगा अगर डेप्यूटेशन पर नहीं जाता है तो। आप वो लैंग्वेज नहीं, IAS ऑफिसर बनके केवल बंगाल में ही क्यों रहेगा, उसे तो पूरे देश में जाना पड़ सकता है। 33 साल की नौकरी में अगर डेप्यूटेशन पर नहीं जाता है तो 33 के 33 साल बंगाल में गुजारेगा। बहुत हुआ डेप्यूटेशन 3 साल 5 साल, और कितना चला जाएगा? और हम कब कह रहे हैं कि आप उसको मत भेजिए? आप उसको भेजिए, वहाँ टेस्ट कीजिए, जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको भेजिए। और जो आदमी IAS बनने के बाद 1 साल होते होते बांग्ला सीख सकता है, तमिल सीख सकता है, एक वही बच्चा जो इंग्लिश क्वालिफाइंग एग्जाम पास करके आया है मेंस में, तो अब आप क्या ये वो अंग्रेजी में अभ्यस्त नहीं हो सकता? ये मुद्दा तो बार बार होता रहा। अब ये बताइए कि जो सरकार ने समाधान निकालने की कोशिश की है, उस समाधान से न छात्र संतुष्ट है, न विपक्षी दल संतुष्ट है, ना कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी संतुष्ट है। अब ये मुझे बताइए, अब ये मुद्दा जो है यहाँ से बढ़कर भारतीय भाषाओं की लड़ाई के रूप में तब्दील होता जा रहा है, उसके बारे में केवल दो बातें हैं। पहली बात, सरकार से 9-10 मांगें की गई थी, उनमें से एक मांग मानी है, बाकी कोई नहीं मानी है। मेन एग्जाम में 3-4 प्रॉब्लम्स थी, उस पर बात ही नहीं की है, जैसे मॉडल आंसर्स केवल इंग्लिश में है, इस पर बात ही नहीं की है। सरकार ने क्यों नहीं बात की है? उसकी वजह मैं बताती हूँ दिव्यकीर्ति जी। जब सरकार के पास ये सवाल आया, ये उन्होंने कहा कि वर्मा कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी और उस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे हम जवाब देंगे। गलत बात। वर्मा कमेटी को रिपोर्ट बनानी थी उस हाई कोर्ट के निर्देश पर, जिसमें अंग्रेजी भाषा के सवाल पूछे जाने को लेकर, और जो पूरा जजमेंट हाई कोर्ट का यहीं पर जी, वो कमेटी दीनाथ बत्रा केस में केवल इन 8 क्वेश्चंस की बात थी जी। हाई कोर्ट का जजमेंट सिर्फ ये था, जजमेंट को पढ़िए। पैरा 29 में हाई कोर्ट साफ कह रहे कि UPSC ने गलत किया है। पैरा 30 में कह रहे हैं कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे। 31 में कह रहे हैं कि हम आपको डायरेक्शन देते हैं कि कमेटी बनाइए। उन 8 सवालों के बारे में वो कमेटी तो जो सरकार ने हल निकाला है, वो उन्हीं सरकार ने केवल 8 सवालों पर हल निकाला, वो उस केस की बात है। सरकार से जो डिमांड की गई है वो केवल 8 सवाल की नहीं थी। इसका मतलब ये है कि सरकार कहीं ना कहीं छात्रों के साथ एक तरह से जो उनकी समस्या है उनको नहीं देख रही है, सुन ही नहीं रही है, नहीं सुन रही। इंटरव्यू की बात नहीं सुन रही, मेंस की बात नहीं सुन रही, प्रीलिम्स की डेट पोस्टपोन करने की बात नहीं सुन रही। मैं इसका जवाब एक बार जरा संबित से ले लेती हूँ। संबित, दिव्यकीर्ति का ये आरोप है कि सरकार उन मुद्दों को नहीं देख रही है और उन सवालों को नहीं सुन रही है जिन सवालों को लेकर आंदोलन चल रहा है। सरकार ने जो जवाब दिया है, दरअसल वो दीनानाथ बत्रा के PIL के बारे में जो कमेटी बनाने के लिए हाईकोर्ट ने कहा, सिर्फ उन सवालों को लेकर जवाब दिया है, उन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है जो छात्र पूछ रहे हैं इस समय। देखिए, 2-3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो समझना आवश्यक है। सरकार ने जो मुद्दा उठाया है, सरकार ने जो निर्णय लिया है, मैं उसे एक बैलेंसिंग एक्ट के रूप में देखता हूँ।
जिस प्रकार से कुछ दिनों से ये पूरा विषय एक लैंग्वेज का विषय बनता जा रहा था, सरकार को यह भी डर था कि 1960 के दशक में जिस प्रकार से एक लैंग्वेज वॉर पूरे हिंदुस्तान में हो गया था, कहीं उस प्रकार का एक स्नोबॉल ना हो जाए, इसलिए अंततः सरकार को जल्दी से जल्दी एक निर्णय लेना पड़ा। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, अगर सपोज मान लेते हैं कि सीसैट को हमने स्क्रैप कर दिया होता तो क्या लिटिगेशंस नहीं होते? इतने लिटिगेशंस हो जाते कि 24 अगस्त को जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाले हैं शायद वो स्टे हो जाते। तो सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए बैलेंसिंग एक्ट करना बहुत आवश्यक था। मैं आपको बताता हूं अमृता जी, अगर आप गेस्ट यहां चेंज कर दिए, स्टूडियो यही रहे, यहां आप अंग्रेजी के गेस्ट ले आए, तो मैं बोलता हूं बिल्कुल धारा ऐसा लग जाएगा कि व्यूअर को लगेगा मानो जो हम अभी डिस्कशन कर रही है बेमानी है। तो स्वाभाविक रूप से जब कंफ्यूजन कंपाउंडेड होता है तो मध्यम मार्ग में चलना सरकार की विवशता होती है और यही होना भी चाहिए। तो सरकार ने मध्यम मार्ग को चुना है। एक तो लैंग्वेज जो वॉर हो सकता था पूरे हिंदुस्तान में उसको रोका, दूसरा एक भ्रम यह भी आ रहा था कहीं इंग्लिश को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है हिंदी से, इस विषय को ध्यान दिया, और थर्ड जो महत्वपूर्ण विषय था क्या इंग्लिश महत्वपूर्ण है या नहीं। इसलिए आप देखिए दोनों हिंदी इंग्लिश और वर्नैक्युलर लैंग्वेज में क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैं, वो अभी भी हैं, आप उसको देख के आइए। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि 18 साल की एज में लड़का तय करता है कि मुझे आईएएस में बैठना है और 7-8 साल मिलते हैं। अगर हम बार बार चेंज करते रहेंगे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक हम ये ना हमको ये ना लगे कि जो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है वो ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं इनसे मैच नहीं करती है, तब तो अलग बात है। लेकिन अगर हमने कमिटी ने तय किया कि जिस 12-13 जो सर्विसेज मेन सर्विसेज हैं उनकी रिक्वायरमेंट देखते हुए ये सवाल पूछे जाना चाहिए। लेकिन ये option... आप अपने बगल में बैठे दिव्य कीर्ति को नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं, तो जी, 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 जी। दूसरों को और छात्रों को ये संतुष्ट करेंगे कि इसलिए अन्याय हो रहा है। मैं जानता हूँ अन्याय हो रहा है, लेकिन हमने जो माना हम जो मानते हैं अन्याय का मतलब अन्याय का चेंज करने का तरीका ये है कि एजुकेशन क्वालिटी बड़ा अच्छी करनी पड़ेगी, तब तक ये लोग अन्याय झेलते रहे, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। गरीब लोगों का एक्सपेरिमेंट करेंगे, गरीब लोगों के साथ ऐसा हमें हर जगह इतना अन्याय होता है, इसका मतलब एक्सपेरिमेंट होना ठीक है। आप कह रहे हैं साफ साफ, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि एक बार कमिटी ने ये तय कर दिया। अब ये बताइए कि फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है इसके लिए, पहले क्यों नहीं करवाते प्रीलिम्स से पहले उसको, एंड में क्यों करवाते हैं? क्या इंग्लिश का टेस्ट एंड में नहीं हो सकता? प्रीलिम्स में करते 70% मेंस में नहीं दे सकते, आप उसको एंड में कर लीजिए, हटा दीजिए वहां पर उनको। लॉजिक रीजनिंग से किसने मना किया? संबित जी कह रहे हैं कि हमने बैलेंसिंग एक्ट किया है और यूपीएससी ऑटोनॉमस आप बता रही है ये संविधान में लेके आया हूं। आर्टिकल 309, 312, 320, 323 पढ़ लीजिए, साफ साफ लिखा है कि भारत सरकार तय करेगी सिलेबस क्या होगा और एग्जाम किस फॉर्मेट पे होगा, साफ लिखा होगा सब। वो जो इनइक्वालिटी, मैं एक बात आखिरी बात कहना चाहूंगा, इनइक्वालिटी जो है और जो अन्याय है उसे समाप्त करना है, और हम अगर हम इस नतीजे पहुंचते हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग आ रहे हैं वो भी इंग्लिश मीडियम के और एलीट क्लास से हैं, तो आप कर दीजिए कि हिंदी मीडियम वालों को, रीजनल मीडियम वालों के लिए ही 50% रिजर्वेशन होगा। आप कर दीजिए हिंदी मीडियम वाले, आप ये कह रहे हैं कि तमिल तेलुगु वालों को बोलिए खेती करें, आईएएस के बारे में ना सोचें, उनके बस की बात नहीं है, अंग्रेजों का शासन है यहाँ, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, सीधा बोल दीजिए। मैं आपके आपके ये जो संविधान के सवाल पे आऊंगी उससे पहले मृदुला मुखर्जी हमारे बहुत देर से वेट कर रही है। मृदुला जी, आपने तमाम बहस हमारे स्टूडियो के मेहमानों की सुनी, क्या आपको भी लगता है कि जो सरकार ने समाधान निकाला है वो पर्याप्त है, सी सेट की जो व्यवस्था है वो ठीक है, या फिर उसमें बदलाव आपको लग रहा है कि जरूरी है, और अगर जरूरी है तो बदलाव का तरीका क्या होना चाहिए? जो सरकार निकाल रही है समाधान वो ठीक है या कोई और तरीका होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि समाधान ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व ना हो और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए। मुझे लगता है कि यूपीएससी की एक बहुत पुरानी और बहुत अच्छी ट्रेडिशन है, उसका बहुत अच्छा रेप्यूटेशन है, एक प्रोबिटी का, इम्पार्शियलिटी का, आज तक कभी सवाल नहीं उठे हैं कि जो बच्चे जो पर्चे देते हैं, जो एग्जामिनेशन होते हैं, उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसे ऐसे ही नहीं हमें क्वेश्चन करना चाहिए। हाँ, क्रिटिसिज्म हमेशा जो है वो वेलकम है, उसको सिस्टम के अंदर जाना चाहिए, यूपीएससी को टाइम मिलना चाहिए उसको एग्जामिन करे, उसको अच्छी तरह से देखे और कहाँ उसको संशोधन कर सकते हैं वो ज़रूर करें। किंतु मैं एक बात ज़रूर एग्री करूँगी सक्सेना जी से कि हम कई बार ये चाहते हैं कि हमारे समाज में जो एक बेसिक इनइक्वालिटी है, जो एक बेसिक शिक्षा की समस्याएं, जो अंग्रेजी का स्थान हमने बनाया इतने सालों में, उसको हमने हटाया नहीं है,
हमारे सारे बच्चे, चाहे वो पॉलिटिशियन के हों और चाहे ब्यूरोक्रेट के हों और चाहे टीचर के हों, सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना चाहते हैं और बहुत सारे जाते भी हैं। तो पूरे समाज में हमने इतने, उस वक्त हम कभी बदलाव लाने की कोई कोशिश नहीं करते हैं, हाँ, और आखिर में जाके हम चाहते हैं कि इक्वालिटी हो जाए। ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वहां से शुरू होता है और उसका समाधान नहीं, लेकिन उसका समाधान तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा ना। लेकिन आज जो लड़के आंदोलन कर रहे हैं वो कब तक आंदोलन करते रहेंगे इस तरह का समाधान निकालने के लिए, क्योंकि वो तो एक इंडेफिनिट लड़ाई में तब्दील हो सकती है, क्योंकि सरकार ने आज 67 सालों में, आजादी के 67 सालों में अभी तक जो व्यवस्था बनाई है उसको तो बदलने के लिए पता नहीं कितना लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ तो लड़कों को तुरंत समाधान चाहिए, और वो समाधान किस तरीके से निकलेगा? क्या यूपीएससी को संसद के द्वारा निर्देश देकर निकलेगा, या फिर यूपीएससी खुद इसको बदलेगी, या फिर कोई और तरीका होगा? और यूपीएससी की तरफ से जो आज अभी तक का जो जवाब आया है उसके, उससे लगता नहीं है कि कुछ बदलाव होने जा रहा है? आर्टिकल 320 में साफ लिखा है कि यूपीएससी भारत सरकार को सलाह दे सकती है। आर्टिकल 323 संविधान का कहता है कि अगर यूपीएससी की सलाह भारत सरकार नहीं मानती है तो संसद के सामने बात रखनी पड़ेगी। हाँ। अगर सलाह न माने यूपीएससी की, संसद में सब पार्टियां समर्थन कर रही हैं, सरकार को क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन सरकार संविधान, यही सलाह की एग्जाम पोस्टपोन नहीं करेगी, संशोधन करेगी ना? नहीं, क्यों करेगी? कोई संशोधन नहीं करेगी। संविधान में लिखा हुआ है कि 320 के तहत 323 में अगर यूपीएससी की रिपोर्ट का कोई अंश सरकार नहीं मानती है तो संसद में पेश करेगी। सामान्य संकल्प है, सामान्य प्रस्ताव है, संविधान संशोधन तो बहुत, आप उसको पढ़ के सुनाइए, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी जानकारी है उसके मुताबिक अगर सरकार, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यूपीएससी को शासन आदेश दे सकती है, ऐसा कोई ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है जो कि यूपीएससी को, उसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए इससे परिवर्तन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे फिर भी इंग्लिश मीडियम के लोग आते रहेंगे, क्योंकि अंग्रेजी का सवाल नहीं, किसी को दिक्कत अंग्रेजी का सवाल नहीं, उनको आना चाहिए। सवाल इस बात का है कि आप देखेंगे जब ये नहीं, ये जब चेंजेस नहीं हुए थे, मैं तो डायरेक्टर था 92 से 96 तक, आप देखेंगे 70% लड़के जो थे लाल बहादुर अकेडमी का 70% लड़के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे। क्यों? क्योंकि आज हुई रहा कि जो अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने में, they want to become engineers, चले आते हैं, और जो खराब बच्चे होते हैं, जो पढ़ने अच्छे नहीं होते, वो फिलॉसफी पढ़ते हैं। हम वेलकम करते हैं, इंग्लिश वाले हैं, इंजीनियर्स हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें डिस्क्रिमिनेशन से दिक्कत नहीं, 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 लेकिन और इंग्लिश मीडियम के भी जो कई लोग समझते हैं, सवाल ये नहीं है कि इंग्लिश और हिंदी, देखिए आपके उसी बिहार यूपी से तमाम बच्चे, मैं जो हिंदी वाले लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तमिलनाडु में भी हो रहा है, आंध्र प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, उत्तराखंड में भी, सब जगह हो रहा है। ये सब हिंदी बेल्ट वाले, मैक्सिमम हिंदी बेल्ट वाले लोग हैं, लेकिन आप मैक्सिमम हिंदी बेल्ट वाले लोग हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो पार्लियामेंट में जिस तरह की आवाज गूंज रही है उसमें जरूर है कि आज जो है आप लोगों की, आज आप लोगों की लड़ाई भाषाई लड़ाई में तब्दील होती हुई दिख रही है, लेकिन जो मुद्दा उठाया गया वो ज्यादा हिंदी वालों की तरफ से उठाया गया। बात ये नहीं है कि अब ये भाषा की लड़ाई है, बात ये है कि इसका हमारे देश में आईएएस बनने के लिए, देश की सर्वोत्तम नौकरी करने के लिए क्या बेसिक नॉलेज नहीं होना चाहिए? और आप जो कह रहे हैं अगर वहां का बच्चा, अगर यूपी बिहार या हरियाणा या आंध्र प्रदेश का बच्चा अपने माध्यम में पढ़ाई करके इंजीनियर बन सकता है, मैनेजमेंट में आ सकता इंजीनियर है, बनने के तो लिए फिर वो आईएएस क्यों नहीं क्वालिफाई कर? इंजीनियर बनने के लिए लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी बहुत कम चाहिए, और आईएएस बनने के लिए मेंस के 8 पेपर में इंग्लिश में लिखने में जान निकल जाती है, इतना मुश्किल होता है। हम इतना ही तो कह रहे हैं, इंग्लिश का टेस्ट, अमृता, इंग्लिश का टेस्ट 1979 से हमेशा होता है, एक भी आईएएस इंग्लिश पास किए बिना आईएएस नहीं बनता है, हमेशा से होता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसको प्रीलिम्स में क्यों इंट्रोड्यूस करते हो, भेदभाव क्यों करते हो, और करना है तो इंग्लिश के साथ भारतीय भाषा को भी रख दो, केवल एक को क्यों रखते हैं? तो प्रीलिम्स और ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश हटा दिया, ट्रांसलेशन के 40 क्वेश्चन 80 नंबर हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में क्यों है? हिंदी में इंडिपेंडेंट पैसेज क्यों नहीं आ सकता उसके बदले? ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन से समझ में नहीं आते हैं। आपके पास अगर अगर कोई उदाहरण हो तो दीजिए, क्योंकि हमारे पास तो जो अंग्रेजी के सवाल का पेपर है वो आप देखेंगे तो, मतलब मैं 6वीं 7वीं का क्वेश्चन है, मैं कहिए तो अपने दर्शकों को पढ़ के सुना, ट्रांसलेशन का सवाल ही नहीं है, ट्रांसलेशन वाला ये है, ये पढ़िए ना आप, पढ़िए दोनों भाषाओं में, नहीं एक बात और वाक्य पढ़ता हूं, आप बताइए इसका मतलब क्या है, फैक्ट बता दूं आपको, एक वाक्य से मैं बोल देता हूं, एक वाक्य सुन लीजिए, आईएएस में इस समय यूपी और बिहार का ओवर रिप्रेजेंटेशन है, ये बात सही है, लेकिन यूपी बिहार से वो लड़के आते हैं जो इंग्लिश मीडियम से गए हुए हैं, लेकिन उनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है,
ये नहीं है कि पहले 60s तक होता ये था कि तमिलनाडु से या आंध्र से लोग आया करते थे. आज हालत ये हिंदुस्तान में है कि IAS में और सर्विस सर्विस में बैकवर्ड स्टेट्स का ओवर रिप्रेजेंटेशन है. इसीलिए बैकवर्ड स्टेट्स ने कभी डिमांड नहीं किया कि हमारे लिए आप रिजर्वेशन करिए. पाकिस्तान में है, सिंधियों के लिए है, बलूचियों के लिए है, पठान्स के लिए है, क्योंकि वहाँ से लोग नहीं आएंगे, पंजाबी आ जाएंगे. इंडिया में कभी नहीं किया गया क्योंकि ओवर रिप्रेजेंटेशन है. दूसरा एक वाक्य, संधिपाद कीटों के प्रत्येक कुल जिसमें द्विपंखी तथा भृंग शलभ. देखिए एक दिव्यकीर्ति एक बात बताइए, अगर वो अंग्रेजी नहीं समझते हैं, अगर वो हिंदी ही समझते हैं तो फिर क्या ये हिंदी की ट्रांसलेशन गलत है? मतलब बहुत ही देखिए ठीक ट्रांसलेशन कर दीजिए. एक ट्रांसलेशन ये था कि सवाल था स्टील प्लांट, उन्होंने कहा लौह पौधा. अब नहीं 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 गलतियां तो लेकिन उसका प्रूफ कहीं नहीं मिला सक्सेना जी, उसका प्रूफ कहीं नहीं मिला मुझे. मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, वो उसका कोई प्रूफ नहीं मिला. मैंने कई सारे IAS के पेपर निकाल के देखे, लॉ पौधा और गोली कंप्यूटर मुझे नहीं मिला. आपने सिर्फ 5 मिनट का समय दिया, थोड़ा समय दीजिए, सारे प्रूफ आपको मिल जाएंगे. आपने सिर्फ 5 मिनट पॉलिसी का इशू नहीं है, ये तो ऑपरेशन का इशू है कि असल में अब इसका समाधान कैसे निकाला जाए. समाधान सिंपल है, आप प्रीलिम्स को लैंग्वेज न्यूट्रल बना दीजिए. आपको IAS का एप्टीट्यूड देखना है ना, तो लैंग्वेज न्यूट्रल बनाने की तो बात कही जा रही है. एक IAS के लिए ज्यादा अच्छा क्या होगा कि उसमें सोशल स्किल्स हो, सोशल अंडरस्टैंडिंग हो, एम्पैथी हो या केवल रीजनिंग और मैथ्स हो. कमेटी में कौन कौन लोग थे? एस के खन्ना कमेटी, एक मेंबर IIT के आदमी, मतलब वो ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन के हेड थे. फिर जो कमेटी बनी 3 मेंबर्स की, उसमें IIT के लोग हैं. DP अग्रवाल साहब खुद IIT के आदमी हैं, IIT में प्रोफेसर रह चुके हैं. जब सारे IIT के लोग मिलकर सब कुछ बनाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? मिस्टर अलग थे चेयरमैन, जो कि 2020 वो 2020 की बात है. मैं एक सवाल, आखिरी सवाल मृदुला जी आपसे करना चाहती हूँ. अभी भी ये संघर्ष चल रहा है कि सवाल किस तरह के पूछे जाएं, अभी भी ये संघर्ष चल रहा है कि पैटर्न क्या हो और आखिर हम अपने भावी IAS से किस तरह की उम्मीद करते हैं. अब इसका मुद्दा, मतलब इस मुद्दे का हल कोई निकलता हुआ आप देख रही हैं या ये कहीं भाषाई लड़ाई में तब्दील होता हुआ दिख रहा है आपको? यही मुझे दुख हो रहा है कि इस जो पूरा जो विवाद चल रहा है, मुझे, मैं एक इतिहासकार हूँ, सोशल साइंटिस्ट हूँ, मुझे लगता है एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा इसमें आया था कि ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जो टेस्ट है ये फेयर है या नहीं है. और इसको आगे बढ़ाया ही नहीं जा रहा है. मुझे लगता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक तरह से प्रेफरेंस देते हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं या मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आते हैं. और ये सिर्फ IAS की बात नहीं है, आजकल आप नए एग्ज़ाम कोई भी देख लीजिए, चाहे वो लॉ पढ़ने के लिए हो या मैनेजमेंट के लिए हो, वो एक ही पैटर्न बना हुआ है. वो लॉजिक जो है एक ही तरह का लॉजिक उसमें पूछा जाता है, एक ही तरह का दिमाग जो है उसमें टेस्ट किया जाता है. मैं पूछती हूँ कि एक फिलोसॉफिकल लॉजिक होता है, आप क्या उसमें टेस्ट कर रहे हैं? फिलोसॉफिकल लॉजिक हो सकता है बच्चा जो है बहुत सोच हो उसकी, पर वो उस तरह का एक टेक्निकल लॉजिक में वो कहीं मात खा जाता है. मतलब जो लड़कों का उस तरह से एक्सपोजर नहीं हुआ है जो महानगरों में रहने वाले बच्चों का हुआ है, तो वो शायद वहां पर फेल कर जाए. आप नहीं, महानगरों में रहने वाली बात नहीं है, उसका वो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं. लेकिन आप भी तो, आप भी तो हुई है या नहीं जी, आप भी तो उन लड़कों के इंटरव्यूज में जाती हैं, उनके पेपर सेट करने में आपकी भागीदारी रहती है. मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या जो आजकल के लड़के आ रहे हैं उनके अंदर वाकई कुछ काबिलियत की कमी दिख रही है आपको, या वो ज्यादा इंजीनियरिंग माइंडसेट के आ रहे हैं, या जो CSAT तैयार किया जा रहा है, CSAT के क्वेश्चंस तैयार किए जा रहे हैं उसमें भी कुछ भेदभाव नजर आ रहा है क्या आपको? नहीं, देखिए बात यह है कि इतने हमारे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इसमें गिने चुने ही लोग जो हैं वो सामने इंटरव्यू लेवल तक पहुंचते हैं जी. तो वहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं दिखाई देगी. जो बच्चे वहाँ तक पहुंचते हैं वो बहुत सारे कैपेबल होते हैं. लेकिन ये दिव्य कीर्ति जी कहते हैं कि बच्चों के साथ इंटरव्यू के लेवल पे भी भेदभाव होता है. अपने साथ हुआ है, अंग्रेजियत को लेकर भेदभाव होता है. मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया, हिंदी मीडियम था, 2 बार इंग्लिश मीडियम, उससे इंटरव्यू क्यों लिया जी? इस जवाब को दे दीजिए, हमें खत्म करने का वक्त आ गया है.
मृदुला जी, जी मैं ये कह रही हूँ कि मेरे अपने कॉलीग्स हैं जो कि बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं और फिर भी आईएएस के इंटरव्यू में फेल हो गए. तो ये कोई बात नहीं है कि जरूरी जो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं वो निकल जाएंगे और जो हिंदी वाले हैं वो रह जाएंगे. मुझे लगता है जो इंटरव्यू कमिटी इस मामले में काफी सेंसिटिव होती है और वो सच में चाहती है कि जो काबिलियत वाले जो बच्चे आते हैं उनको वो आगे बढ़ने का मौका दे. एक आखिरी सवाल, क्या आप मानती हैं कि यूपीएससी जो अभी तक कर रही है वो ठीक कर रही है? जी मुझे ये लगता है कि यूपीएससी एक बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूशन है. कोई भी परफेक्ट नहीं होते और हर टाइम पे बदलते रहते हैं. जैसे सक्सेना जी ने कहा, अलग साहब के नीचे ये कमिटी बनी थी, मुझे याद है बहुत लंबे डिलिबरेशन उसके चले थे. हमारे यहाँ जेएनयू से भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन लोगों ने किए थे, मुझे याद है. और ये टाइम पे होना ही पड़ेगा जी. और देखना पड़ेगा कि क्या कमियाँ हैं, क्या कमजोरियाँ हैं. हम सोच सकते हैं कई बार हमारा सिस्टम परफेक्ट है पर उसका जो नतीजा है वो हमारे जो हम चाहते थे वो नहीं निकलता है. बिटवीन आवर डिजायर एंड द रिजल्ट बहुत लंबा गैप आ जाता है. तो वो तो हमको चेक करना ही है, पर इसको हमें यूपीएससी पे छोड़ना चाहिए. पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए. आप कह रही हैं पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? 3 साल तक यूपीएससी ने खुद क्यों नहीं चेक किया इस चीज को कि ट्रांसलेशंस में और मेंस में इंटरव्यू में इतने दिक्कतें हो रही हैं? अगर उन पे छोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे? इसका मतलब आप कह रहे हैं कि संसद के जरिए इसका हल निकाला जाए. एकदम संसद सबसे पहले आप ही कहना चाहूंगा कि जो रीजनल मीडियम के लोग हैं, जिसमें हिंदी हो चाहे मराठी हो तेलुगु हो, उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए. रिजर्वेशन तो कोई नहीं मांग रहा. मतलब तीन हमारे अलग अलग मेहमान और तीनों के अलग अलग जवाब हैं. एक का ये कहना है कि अगर हिंदी मीडियम ही मुख्य वजह है और उनको ही लग रहा है कि अगर हमारे साथ भेदभाव बरता जा रहा है तो हिंदी मीडियम के लिए अलग से रिजर्वेशन कर देना चाहिए. लेकिन आप चाहते हैं कि संसद के जरिए इसका समाधान निकाला जा सकता है और इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. लेकिन मृदुला जी का मानना है कि यूपीएससी को भी कमजोर नहीं करना चाहिए. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का. और ये थी आज की हमारी पहली खबर.